आप नियमित रूप से सेक्स करते नहीं है तो क्या बुरा असर होता है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गयकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोगों के मन में सेक्स के बारे में बहुत ही गलत फहमियां हैं। नहीं नहीं, रोज सेक्स करेंगे तो कमजोरी आएंगी, रोज सेक्स करेंगे तो वो अच्छा दिखता नहीं है, लोग क्या कहेंगे घर के, या रोज सेक्स करेंगे तो आगे चल के फिर काम में नहीं रहेंगे, अभी 2 बच्चे हो गए अभी सेक्स क्यों करना चाहिए, ऐसे अलग अलग लोगों के मन में सेक्स के बारे में गलत फहमियां हैं। भाई सेक्स एंजॉयमेंट के लिए होता है, सेक्स एक भूख की पूर्ति करने के लिए होता है। ये लोगों को एक तो मालूम नहीं है, लोग उसको प्रेजेंट नहीं। नहीं, अभी तो बच्चे हो गए अब क्यों करना सेक्स, लोग बोलते हैं। अरे बच्चे करने के लिए सेक्स करना है क्या, बाद में नहीं करना है? ऐसे अलग अलग गलत फहमियां लोगों की। जो जो लोग रेगुलर सेक्स नहीं करते उनके स्टडीज की गई और उनकी स्टडी करने के बाद में कुछ निष्कर्ष निकाले साइंटिस्ट लोगों ने कि जो लोग रेगुलरली सेक्स नहीं करते उनका क्या होता है, उनके ऊपर क्या असर होता है उल्टा, और उनको जो पॉइंट्स मिले या उन्होंने जो पॉइंट्स निकाले उसमें से ढूंढ के, उसमें के 8 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो नंबर 1, जो लोग सेक्स रेगुलर नहीं करते उनको ज्यादा चांसेस है हार्ट डिजीज होने के। स्टैटिस्टिकली ये प्रूव है कि रेगुलर सेक्स ना करने वाले लोगों को ज्यादा एक्सपोजर है हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक्स का, या हार्ट के संबंधित बीमारियों का। नंबर 2, जो लोग सेक्स रेगुलर करते नहीं है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं, काम में उनका मन नहीं रहता, वो रिजल्ट कॉज नहीं करते और उसकी वजह से और स्ट्रेस आते रहता है। नंबर 3, जो लोग एक हफ्ते में 2 बार सेक्स करते हैं उनको स्टडी किया गया और ये स्टडी में ये मालूम पड़ा कि इनको बीमारियां कम हो रही है, जनरल बीमारी सिकनेस जो है वो शारीरिक बीमारी। क्यों? क्योंकि जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज जो है वो ज्यादा प्रमाण में 30% ज्यादा प्रमाण में पाई गई। और जब एंटीबॉडी आपके शरीर में ज्यादा है तो आप प्रतिकार कर सकते, प्रतिरोध कर सकते बीमारियों का। तो जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज जो है वो उनके शरीर में ज्यादा पाई गई। नंबर 5, जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं उनका जो प्रोस्टेट कैंसर का जो प्रमाण था वो कम पाया गया, कि उनमें प्रोस्टेट कैंसर का जो चांस है वो कम है। अदरवाइज प्रोस्टेट कैंसर का जो प्रमाण है वो है 8 व्यक्तियों में से एक को, उम्र के 40-45 साल के बाद में 8 में से एक व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होता है। जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर कम मात्रा में दिखाई दे। नंबर 5, सेक्स न करने के नुकसान, अपनापन जो है, पति पत्नी में अपनापन, पार्टनर्स में अपनापन नहीं होता है। सेक्स के क्या होता है, अपनापन निर्माण होता है, नजदीकी आती है, एक इंटीमेसी डेवलप होती है। क्या होता है, दिन भर झगड़ा हुआ व्यक्ति या झगड़े हुए पति पत्नी रात को जब साथ में सोते हैं और सेक्स करते हैं तो उसमें दिन भर के जो झगड़े है वो खत्म हो जाते, अपनापन आ जाता। नंबर 6, जो लोग रेगुलर सेक्स नहीं करते उनका यह पाया गया कि उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कठोरता आने का प्रमाण ज्यादा है वो लोगों में। एक ऐसी स्टडी की गई 2008 में यूएसए में, और वो स्टडी में ऐसा पाया गया कि जो लोग एक हफ्ते में एक ही बार सेक्स करते हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रमाण ज्यादा है, लैंगिक कठोरता नहीं आती जल्दी। नंबर 7, उनको उत्तेजना कम होती है, मतलब जैसा जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं ना वो बहुत एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, उत्तेजनात्मक रहते हैं, वो काम में अच्छे रहेंगे। तो ऐसी स्टडी की गई तो उसमें पाया गया कि लोग जनरल उत्तेजना जो है, एक्साइटमेंट जो है लाइफ में, उनकी कम रहती है और बाद में भी धीरे 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 जब आप यूज नहीं करते हैं तो नेचुरली वो वेस्ट हो जाता है। वैसा है कि जब यूज नहीं कर रहे हैं तो वो बाहर निकल जाएगा, मतलब इच्छाएं निकल जाएंगी और बाद में धीरे 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 सेक्सुअल डिजायर ही कम हो जाती है। नंबर 8, जो लोग रेगुलर सेक्स नहीं करते उनकी ब्रेन की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो पाई गई, उसकी जो स्पीड है ब्रेन ग्रोथ होने की
वो स्पीड स्लो दिखी साइंटिस्ट लोगों, और ये कैसे मालूम पड़ा कि जो लोग रेगुलर सेक्स करते वो और जो रेगुलर नहीं करते वो, दोनों को जब स्टडी किया गया तो जो रेगुलर सेक्स करते थे उनका ये पाया गया कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर क्विज सॉल्विंग, फिर अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे जो ब्रेन के फंक्शन है वो ब्रेन के फंक्शन अच्छे दिखे जो लोग रेगुलर सेक्स कर रहे थे। इन शॉर्ट क्या है कि रेगुलर सेक्स करना बहुत अच्छा है। तो जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं वो एक्टिव रहते हैं, और जो गलत फहमियाँ हैं सेक्स के बारे में कि भाई अच्छा नहीं है, बच्चे हो गए, अभी क्या उम्र, लोगों को और एक रहता है अभी क्या उम्र हो गई, अभी 50 साल की उम्र हो गई, अब क्या सेक्स करना क्या अच्छा दिखता क्या, बच्चे बड़े हो गए वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं, निकाल के रेगुलरली सेक्स करना चाहिए ताकि आप तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।